हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अपार इंडस्ट्रीज की ओर से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुका है। अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का रिजल्ट है, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से एक अपडेट आया 3.79 करोड़ का। क्लीन मैक्स रुद्र प्राइवेट लिमिटेड में जैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे, फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड एसोसिएट कंपनी पर, जो कि विंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए 3.3 MVA कैपेसिटी के लिए, और सोलर कैपेसिटी होगा 22.805 MWP का, जो इसके लिए कैपेक्स करने जा रही है, इसको लेकर अपडेट आया है। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। और गाइस, कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, करोड़ में नंबर्स है। इनकम की बात करें, इस बार का इनकम है 4677 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 4025.8 करोड़ का, लास्ट ईयर में 3943.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 4420.5 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 3755.4 करोड़ का, लास्ट ईयर में 3706 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है मटेरियल कॉस्ट में, जो कि 3659 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 3220 करोड़ का, और यही रीजन है इस कंपनी का प्रॉफिट में डाउन होना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 256.7 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 270 करोड़ का, लास्ट ईयर में 236.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 193.83 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 202.5 करोड़ का, लास्ट ईयर में 173.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS 48.27 रुपीज का, लास्ट क्वार्टर में 50.242 रुपीज का, लास्ट ईयर में 45.43 रुपीज का EPS है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया ना, अगर देखा जाए तो एवरेज रिजल्ट पेश किया गया यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, इनकम में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर मटेरियल कॉस्ट में, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और अगर शेयर सेगमेंट वाइज बात करें तो कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स, पावर, टेलीकॉम, केबल्स, अदर्स, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ है, जो कि गाइज। और यहाँ पे गाइज अगर देखा तो अच्छी रिजल्ट पेश किया, यहाँ ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया, लेकिन इसके शेयर की बात करें 0.54% का आज लॉसेस है। 9244 रुपीज पर शेयर ट्रेड कर रहा है। 5 डे में 4.6% का लॉस है, 1 मंथ में 2.9% का लॉस है। कंपनी 15 अक्टूबर के बाद से कंसिस्टेंट डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अब देखना ये कि कंपनी कहाँ तक सपोर्ट लेता है, क्योंकि 16% का जो करेक्शन लेता है वो देखने को मिला है। तो गाइस, जब तक ये पॉजिटिव में नहीं आता है, तब तक मैं कहूँगा वेट कीजिए, उसके बाद आप इसमें कंसिडर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।